भिलाई मानव अधिकार YDC व कोका विकास समिति द्वारा वृक्षारोपण के महाअभियान की शुरुआत हरिहर भिलाई का उद्देश्य लेकर किया जा रहा है, जिसके बैनर पोस्टर का विमोचन भिलाई के महापौर नीरज पाल द्वारा किया गया। गौरतलब है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिसे लेकर नगर निगम भिलाई क्षेत्र में भी कई संस्थाएं और समाज सेवी इस मौके पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। परंतु देखा जाता है कि वृक्षारोपण के चंद महीनों बाद ही वह वृक्ष जादुई तरीके से गायब हो जाता है और वह स्थान वापस पौधा विहीन हो जाता है। परंतु इस बार मानव अधिकार YDC और कोका विकास समिति द्वारा वन होम वन ट्री का नारा बुलंद करते हुए हरिहर भिलाई का स्वप्न आंखों में लेकर 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत सर्वप्रथम पहले कोहका वार्ड को, उसके बाद संपूर्ण भिलाई को हरा भरा करने का संकल्प लिया गया है। इसके लिए आम जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से बैनर पोस्टर का निर्माण भी कराया गया है। इसी बैनर पोस्टर का विमोचन नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल के हाथों संपन्न हुआ। महापौर नीरज पाल ने कोहका विकास समिति और मानव अधिकार YDC के द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले इस अभियान की हृदय से प्रशंसा करते हुए निगम भिलाई की तरफ से हर संभव मदद प्रदान करने का वादा भी किया है। मैं कोका विकास समिति को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो ये प्रयास कर रहे हैं, उनकी समिति द्वारा ये प्रयास जो हो रहा है, सामूहिक प्रयास हो रहा है, ये प्रयास बहुत ही सही समय पे ये शुरू कर रहे हैं और ये शहर के लिए बहुत ही ज़रूरी था ये वृक्षों का लगाना और उनका उनको संभाल के सहेज के रखना। ये दो चीज़ें हैं और अभी जैसा चर्चा में मालूम चला कि ये हर घर में एक पौधा लगाने का इनका जो प्रयास है, वो घर के जो भी मालिक हैं उनकी जिम्मेदारी में ये पौधा देंगे। निश्चित रूप से ये शहर के लिए एक बहुत ज़रूरी है। आज के समय में पर्यावरण को बनाए रखना एक महती ज़रूरत बन गई है और उसको लेते हुए जो ये कोका विकास समिति का जो प्रयास है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है और मैं मेरी तरफ से इस समिति के इस एक अच्छे काम के लिए जो भी प्रयास नगर निगम की तरफ से हो सकेगा, संभव हो सकेगा, हम जरूर करेंगे। कोका विकास समिति और मानव अधिकार YDC के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भी इस अभियान को लेकर अपने उद्देश्य को न्यूज टीम से साझा किया है। हमारे द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस है, उसी के समय से हमारे द्वारा वन होम वन ट्री का अभियान चलाया जाएगा और प्रत्येक घर में एक वृक्ष रोपण किया जाएगा और उसकी जवाबदारी उन्हीं घर वाले को दिया जाएगा और चिन्हांकित जगहों पर भी वृक्षारोपण किया जाएगा, जिसका जवाबदारी हमारे द्वारा स्वयं के द्वारा लिया जाएगा और पूरे हमारा उद्देश्य है पूरे भिलाई को हरिहर भिलाई करना है और क्लीन भिलाई करना है और इसी उद्देश्य में हमारे द्वारा आज महापौर महोदय से भी मुलाकात किया गया है और हमारा जो बैनर पोस्टर का विमोचन भी उनके द्वारा किया गया है और हमारे कार्य का उन्होंने भी प्रशंसा किया गया है और उन्होंने बताया है कि जो भी उनके तरफ से निगम की तरफ से जो भी सहयोग रहेगा वो बिल्कुल प्रदान करेंगे। जी अभियान ये है कि हमारे वार्ड एवं गाय का स्वच्छता अभियान है एवं वृक्षारोपण का अभियान चलाया जाएगा, जिसमें वन होम वन ट्री के तहत घर घर पौधा दिया जाएगा एवं उनको जिम्मेदारी दी जाएगी कि पौधों को बड़ा भी करना है और सार्वजनिक जगह में हम भी पौधारोपण करेंगे एवं उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी, इसको बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। क्या उद्देश्य है इस अभियान का? उद्देश्य पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का है, जिसके तहत हमारे वार्ड एवं पूरा भिलाई में स्वच्छता बनाए रखने के अभियान चलाया जाए। एक बार फिर दो संस्थाओं ने मिलकर हरिहर भिलाई का बीड़ा उठाया है। देखना होगा यह अभियान पूर्व में चलाए गए अभियान की तरह ठंडा पड़ जाता है या इस बार भिलाई को हरा भरा देखने का सपना भिलाई वासियों का भी पूरा हो पाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।